यूथ के लिए, युवाओं के लिए, 12वीं क्लास से आज कोई बच्चा निकलता है पढ़ के बाहर, उसके 95% नंबर भी आते हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पिछले 20 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया। बच्चे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी। तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आज 1.25 लाख सीट्स हैं कॉलेजेस की दिल्ली में, इन्हें बढ़ाकर 5 साल में 2.5 लाख कर दिया जाएगा। हर साल दिल्ली में लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, उनमें से 1.25 लाख बच्चों को लगभग दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है, बाकी 1.25 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी कि दिल्ली के अंदर अपने जितने कॉलेज हैं उसमें केवल और केवल 50% दिल्ली के बच्चों के लिए कैपेसिटी है, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? ताकि दिल्ली के अंदर हम नए कॉलेज खोल सकें, नई यूनिवर्सिटी खोल सकें, हम भी खोलेंगे, केंद्र सरकार भी खोलेगी, जिससे दिल्ली के बच्चों, मैंने बताया 1.25 लाख बच्चे तो दिल्ली के ही हैं जिनको नहीं, पूरे देश भर से लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, पूरे देश भर से अपने बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी अपने को नए कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज खोलने हैं। कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है।